हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवी एंड आयु क्रिएशंस। कभी कभी हम बहुत ही ऑयली स्नैक्स खाकर बोर हो जाते हैं, तब कुछ हेल्दी और लाइट खाने का मन करता है। तो आज ऐसी ही बहुत कम ऑयल वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है पोहे का चिवड़ा। आप इसको एक बार बनाकर महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसको किसी भी फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। पोहे का चिवड़ा बनाने के लिए हम पतले पोहे का यूज़ कर रहे हैं। इसको नाइलॉन पोहा भी कहा जाता है। अगर आपके पास नाइलॉन पोहा नहीं अवेलेबल है, तो जो भी पोहा अवेलेबल है आप उससे भी ये चिवड़ा बना सकते हैं। बस उसको रोस्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एक कढ़ाई में पतला पोहा डालकर हमें इसको रोस्ट करना है। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। पोहे को रोस्ट करने के लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम या फिर अपनी सुविधा के अनुसार रखें। इसको हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो। 10 से 15 मिनट तक पोहा को रोस्ट करने के बाद अब हम पोहा को चेक कर लेते हैं। तो एक चम्मच में हम थोड़ा सा पोहा लेकर उसको चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आसानी से टूट रहा है। तो हमारा जो पोहा है वो एकदम अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चिवड़े के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कुछ और सामग्री, जिसमें पहली है हरी मिर्च, जिसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। थोड़े से किशमिश, थोड़ा सा कटा हुआ सूखा नारियल, इसके अलावा 2 छोटे चम्मच तिल, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ का हम इसमें यूज़ करेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ता का भी यूज़ करेंगे। कड़ी पत्ता से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और इसके अलावा खट्टे के लिए हम इसमें सिट्रिक एसिड, जिसको नींबू का फूल और टाटरी भी कहा जाता है, उसके थोड़े से दाने का यूज़ करेंगे। आधा से एक बाउल मूंगफली का यूज़ करेंगे। इसके अलावा 2 से 3 छोटे चम्मच पीसी हुई शुगर, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच हम इसमें राई का यूज़ भी करेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल लेकर उसको गरम कर लेना है, और इसके गरम होने के बाद अब हम इसमें राई और जीरा डाल देना है। राई जीरा के चटकने के बाद अब हम इसमें तिल और सौंफ डाल देते हैं। तिल के बाद अब हम इसमें करी पत्ता डाल देते हैं। करी पत्ता के अच्छे से चटकने के बाद, थोड़ा ड्राई होने के बाद, अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को आपको अलग से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी ऑयल में अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। और जब मूंगफली अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची को भी हमें बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ताकि ये महीने भर तक भी जब चिवड़ा स्टोर रहे तो वो ख़राब ना हो। अगर हरी मिर्च में नमी रह जाएगी तो चिवड़ा जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें हरी मिर्च को ही अच्छा क्रिस्पी ड्राई करना है। मिर्ची के क्रिस्पी होने के बाद हमने इसमें काजू, बादाम और किशमिश डाल दिया है। साथ ही साथ हम इसमें नारियल भी डाल देते हैं। इनको रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ये रोस्ट हो जाते हैं। सारी सामग्री को अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर और नमक का यूज़ करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, और हल्दी पाउडर आपको जैसा चिवड़े का कलर चाहिए उस अकॉर्डिंग आधा से एक चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। और इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें हमारा रोस्ट किया हुआ पोहा डाल देंगे। पोहा डालने के बाद अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि हल्दी का जो कलर है वो इस पर अच्छे से आ जाए, और साथ ही साथ सारी सामग्री और पोहा एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। आप इसमें नमक का टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नमक कम लगता है तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस तक आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, पोहे को कंटिन्यू चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है, और सारी सामग्री भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे।
पोहे के एकदम ठंडा होने के बाद अब हम इसमें बारीक कूटी हुई सिट्रिक एसिड के दाने डाल देंगे। इसके साथ ही साथ अब हम इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच पीसी हुई शुगर डाल देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, जितना आपको मीठा पसंद है उस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो सिट्रिक एसिड और पीसी हुई शुगर आपको हमेशा पोहा के बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना है। अगर आपको खट्टा मीठा नहीं पसंद है तो आप इन दोनों सामग्री को स्किप भी कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा क्रिस्पी पतले पोहे का चिवड़ा। एक बार बनाइए, महीने भर तक खाइए, और कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।